गुज़श्ते चंद दिनों से झीली डल में सैयाहों की चहल पहल फिर से देखने को मिल रही है। इमसाल वादी कश्मीर में सैयाती सीजन शुरू ही हुआ था कि अप्रैल महीने में अचानक कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत ने मामूलाती जिंदगी फिर से ठप कर दिए और कोरोना लॉकडाउन की वजह से सब कुछ वीरान और सुनसान पड़ गया था। सैयाहों की आमद थम जाने से झीली डल भी वीरानी का मंजर पेश कर रहा था और सैयाती सन्नत से वाबस्ता अफराद हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। लेकिन अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही सैयाह वादी कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों की सैर के लिए श्रीनगर पहुंच रहे हैं, जहां आजकल सैयाहों को पहलगाम, गुलमर्ग और दीगर सैयाती मकामात पर सैर और तफरी करते हुए देखा जा रहा है। वहीं शहरे आफाक झीली डल भी सैयाहों की आमद से खिल उठा है। डल के किनारे पर सैयाहों की चहल पहल से रौनक फिर से लौट आई है। सैयाह इन पुरमसरत और पुरकैफ नज़ारों का खूब लुत्फ उठाते देखे जा सकते हैं। बचपन में आया था तब तो घूमा था, तो दूसरा था, अभी तो आके देखा बहुत क्लीन सिटी बन गया है कश्मीर। बहुत ही अच्छा लगा इस बार कश्मीर आके, एक दिन का जो ट्रिप है वो देखा है मैंने, मेरे को बहुत मजा आया। हम गुलमर्ग भी जा पाए और पूरा डल लेक में कल घूमा है। जैसे हम लोग सुना था ये भूस्वर्ग है, ऐसा ही है, तो हम लोग खुश है। दूसरे को आना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। क्या है कि जो सब कोविड का प्रोटोकॉल है, जो भी रेस्ट्रिक्शन है, वो मानो, मास्क पहनो, हाथ में बार बार धो लो और इन्जॉय करो। हम तो पहली बार आए हैं, बट हमारे बड़े भाई और बाकी लोग पहले आ चुके हैं। कहा गया है कि जन्नत कश्मीर है, तो उस जन्नत को देखने की तलबगार हम लोग हैं। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 22 और 23 का टेम्परेचर होगा इस वक्त भी। अच्छा। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 15, 16, 17 टेम्परेचर होगा, बट अभी भी 23, 24 का टेम्परेचर जा रहा है। लोग बहुत अच्छे हैं, हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी और जो भी लोग थे यहाँ पे बहुत ही सपोर्टिव है। इन बिटवीन जो हम ऑन द वे थे तो सभी हमारे कॉन्टेक्ट में बने हुए थे और बहुत ही सपोर्टिव लोग हैं और अच्छा रहा। सैयाह बेहद खुश नजर आ रहे हैं और ये कोरोना वायरस की परेशानियों से दूर राहत के चंद लम्हात यहाँ गुजारने के साथ साथ दूसरों को भी कश्मीर की सैर पर आने का मशवरा दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। कलकत्ता में तो मास्क बिना हम लोग नहीं घूम सकते, इधर आके थोड़ा सा ऐसा सांस लिया तो अच्छा लगा, तो मास्क बिना भी हम लोग थोड़ा थोड़ा घूमने पाया इधर आके। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा इधर। तो कलकत्ता से तो इधर बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर है, हम लोग का बहुत अच्छा लगा इधर आके। थोड़ा सा ठंडी हवा मिला तो बहुत अच्छा लगा इधर का मौसम। लोग भी अच्छा लगा, ऑटो वाले वाले से हम लोग घूमा तो वो लोग बहुत क्या बोलते हेल्पफुल है, बहुत अच्छा लगा सब लोगों को। यार तो आना ही चाहिए, इतना सुंदर लेक है, इसमें घूमना चाहिए, फ्रेश एयर लेना चाहिए। हम लोग भी फिर वापस आऊंगी, हम लोग लड़का लड़की को लेके फिर आऊंगी। मुख्तलिफ मौसमों में यहाँ के पुरकशिश मनाजिर का लुत्फ उठाने के लिए कश्मीर सैयाहों की पहली पसंद रहता है। वहीं मुल्क भर में शिद्दत की गर्मी के इन अयाम के दौरान काफ़ी तादाद में सैयाह कश्मीर की सैर पर आने में ही दिलचस्पी दिखाते हैं। ऐसे में अब यहाँ के मुख्तलिफ होटलों की बुकिंग में भी इजाफा हुआ है। एक जुमरे के होटलों में 50-60% बुकिंग है, जबकि दीगर जुमरे के होटलों और हाउस बोटों में भी सैयाह बुकिंग कर रहे हैं। ऐसे में अब सैयाहती सन्नत से वाबस्ता अफराद में फिर से उम्मीद जगी है कि अगर वादी में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले वक्त में सैयाहों की आमद से ये सन्नत फिर से पटरी पर लौट आएगी। टूरिस्ट आने लगे हैं, हम श्रीनगर में हमने स्टार्ट किया 300-200 लोग आने लगे, अभी आजकल 1200 लोग बाई एयर आ रहे हर रोज, और बाई रोड भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पंजाब से, दिल्ली से, जम्मू से, बहुत सारे लोग, पर बाई एयर अभी 1200-1300 पहुँच गया। हमारे जो हाई एंड होटल्स है दे आर नियरली पैक्ड, और जो हमारे ए कैटेगरी के होटल्स है उनको भी 50-60% बुकिंग है, और जो उससे कम है उनको 30-40% बुकिंग है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है, अभी पॉजिटिव दिख रहा है कि सीज़न चल सकता है, अगर खुदा न खास्ता पेंडेमिक और नहीं बढ़ा। और जो होटल्स यहाँ पे अभी ऑपरेशनल में हैं वो सब कोविड प्रोटोकॉल से चल रहे हैं, सारा स्टाफ वैक्सीनेटेड है। जो हमारे डायरेक्टर साहब है टूरिज्म, उनने एक महीना पहले ही प्लान करके किया है कि जो भी हमारा होटल स्टाफ है, जो किचन स्टाफ है, दे आर ऑल फुली वैक्सीनेटेड। कश्मीर वादी में हजारों लोगों का रोजगार बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर सैयाहती सनत से जुड़ा हुआ है। इधर अब कोरोना वायरस के मामलों में कमी के चलते जिला इंतजामिया श्रीनगर ने भी तमाम पार्कों को मशरूत बुनियाद पर खोलने का ऐलान किया है।
सैयाहों की चहल पहल से झीली डल में फिर से रौनक लौट आई है और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा वक्त में मजीद सैयाह वादिय कश्मीर का रुख करेंगे, जिससे न सिर्फ ये सन्नत पटरी पर लौट आएगी बल्कि इससे वाबस्ता अफराद भी अपना रोजगार कमा सकेंगे। परवेज़ उद्दीन, ईटी भारत, श्रीनगर।